नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए असम के विभूतियों को याद किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर असम के लोगों के आज़ादी के लड़ाई में योगदानों को भी याद किया। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने असम के लोगों से नए भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को सार्थक बनाने का आह्वान किया। का भंडार ये तेजपुर की प्रेरणा है। भूपेंद्र के साथ ही ज्योति प्रसाद अग्रवाल, विष्णु प्रसाद राभा ऐसे महान व्यक्तित्व तेजपुर की पहचान रहे हैं। आप इनकी कर्मभूमि में, जन्मभूमि में पड़े हैं और इसलिए आप में गर्व का भाव होना और गौरव के कारण आत्मविश्वास से भरा हुआ आपका जीवन होना ये बहुत स्वाभाविक है। साथियों, हमारा देश इस वर्ष अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए असम के अनगिनत लोगों का योगदान है। जो उस समय थे, उन्होंने देश की आजादी के लिए जीवन दे दिया, अपनी जवानी खपा दी। अब आपको नए भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए जी करके दिखाना है, जीवन को सार्थक करके दिखाना है।